इंडिया में जर्मन शेफर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड इंडियन पीपल्स को भी जर्मन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आज के इस वीडियो में हम जर्मन शेफर्ड के प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड अगर हम जर्मन शेफर्ड को घर में रखते हैं तो हमें महीने का कितना खर्चा आ जाता है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप जर्मन शेफर्ड लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि हमने इस वीडियो में जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड हर एक पॉइंट को कवर अप किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी एक डॉग लवर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में हम 2000 लाइक्स के लिए एम करते हैं तो आई होप आप 2000 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे। जर्मन शेफर्ड डॉग्स को उनकी लॉयलिटी एंड प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से जाना जाता है। जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द बेस्ट फैमिली डॉग्स होते हैं। जर्मन शेफर्ड्स को 19th सेंचुरी में जर्मनी में ब्रीड किया गया था एज अ हर्डिंग डॉग एंड एज अ गार्ड डॉग, बट आज के टाइम में हम जर्मन शेफर्ड्स को एज अ वर्किंग डॉग्स यूज करते हैं जिसमें पुलिस एंड मिलिट्री में और सर्च एंड रेस्क्यू टीम में आज के टाइम पर जर्मन शेफर्ड्स को यूज किया जाता है। नो डाउट जर्मन शेफर्ड बेस्ट गार्ड डॉग्स होते हैं एंड आज के टाइम पर अगर आप एक गार्ड डॉग चाहते हो तो आप जर्मन शेफर्ड पर आंख बंद कर भी भरोसा कर सकते हो। ये डॉग्स आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आपको और आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉग्स हमेशा रेडी रहेंगे, तभी तो जर्मन शेफर्ड को बेस्ट गार्ड डॉग कहा जाता है। जर्मन शेफर्ड्स अपने इंटेलिजेंस की वजह से जाने जाते हैं। जर्मन शेफर्ड एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 55 से लेकर 65 सेंटीमीटर तक होती है एंड वेट 22 से लेकर 40 केजी तक होता है। जर्मन शेफर्ड्स स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर डॉग्स होते हैं। इनके पास 238 PSI का एक पावरफुल बाइट फोर्स होता है जो कि किसी को भी पकड़ने के लिए काफ़ी है। जर्मन शेफर्ड्स में दो कोट होते हैं, सिंगल कोट एंड डबल कोट, एंड इनका कोट कलर होता है ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, वाइट एंड रेड। जो डबल कोट जर्मन शेफर्ड्स होते हैं उनको आपको रेगुलरली ग्रूमिंग करनी पड़ती है। जर्मन शेफर्ड्स हाईली इंटेलिजेंट, लॉयल एंड प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं। जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना काफ़ी आसान होता है दूसरे डॉग के कंपेयर में। जर्मन शेफर्ड्स चीज़ें काफ़ी जल्दी सीखते हैं, ये बच्चों के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आता है या फिर आपके रिश्तेदार आते हैं जिसको आपका डॉग नहीं जानता तो उस कंडीशन में वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो सकता है, बट अगर आप उसे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन करवाओगे तो जर्मन शेफर्ड्स एक फ्रेंडली डॉग भी बन सकता है। अगर आप लेजी हो तो जर्मन शेफर्ड आपके लिए नहीं है, तो आप तो या फिर लैब्राडोर ले लो या फिर पग ले लो क्योंकि जर्मन शेफर्ड एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं। आपको इन्हें डेली वॉक एक्सरसाइज करानी पड़ेगी वो भी मिनिमम 1 आवर्स के लिए, और जर्मन शेफर्ड को आप एक जगह बांधकर नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव हो जाएगा। अगर आप जर्मन शेफर्ड ला रहे हो तो उसको आपको डेली टाइम देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। जर्मन शेफर्ड्स का लाइफ स्पैन 9 से लेकर 13 ईयर्स तक होता है। आपको डॉग लेने से पहले ये सोचना है कि आपके साथ वो डॉग 10 से 12 साल तक रहेगा एंड अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 से 12 साल तक लेने के लिए तैयार हो तो तभी आपको एक डॉग लाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के प्राइस के बारे में। डॉग का प्राइस डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पर एंड आप उसे किसके पास से ले रहे हो। नॉर्मली जर्मन शेफर्ड सिंगल कोट का प्राइस होता है 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक एंड डबल कोट जर्मन शेफर्ड का प्राइस होता है 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक। अगर आप किसी पॉपुलर ब्रीडर से या फिर जो काफ़ी सालों से डॉग की ब्रीड कर रहा है उसके पास से अगर आप डॉग लेते हो हाई क्वालिटी में तो उसके पास प्राइस स्टार्ट ही होगा 30,000 रुपये से लेकर एंड वो जा सकता है 60,000 रुपये तक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल है जहां डॉग शो लगता है वहां जाकर आप डॉग खरीदें, वहां पर आपको अच्छे प्राइस में अच्छे क्वालिटी के डॉग्स मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मंथली कॉस्ट के बारे में। मंथली कॉस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च डॉग के खाने पर होता है। अगर आप उसे स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक पेडिगिरी या फिर ड्रूल्स तो हर महीने 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक खर्च होगा एंड वही अगर आप प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो लाइक रॉयल कैनन तो हर महीने 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक खर्च होगा। उसके बाद में डॉग की वैक्सीनेशन पर हर महीने 500 रुपये से लेकर 900 रुपये तक खर्च होगे। पिग्स को कोई भी बीमारी काफ़ी जल्दी पकड़ लेती है और कभी कभी डॉग्स को पार्वो वायरस भी हो जाता है, तो उसके लिए डॉग्स को वैक्सीनेशन करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जर्मन शेफर्ड वेट गेन नहीं करता। उसके पीछे का ये रीज़न है कि वो अपने डॉग की डिवॉर्मिंग नहीं करते। तो आपको डॉग की डिवॉर्मिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें हर महीने 100 से लेकर 150 रुपये तक खर्च होता है। जर्मन शेफर्ड का लॉन्ग कोट होता है तो उसके हमें ग्रूमिंग के लिए हर महीने 400 से लेकर 600 रुपये तक लगेंगे जिसमें शैम्पू, कंडीशनर एंड ब्रशेस इंक्लूड किए जाते हैं। हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो आपको हर महीने खर्चा आएगा 4 से लेकर 4,500 रुपये तक
एंड अगर आप प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हो तो आपको हर महीने खर्चा आएगा 5,500 से लेकर 6,000 रुपये तक। इसमें हमने कुछ चीज़ों के प्राइस इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि हम वो चीज़ें हर महीने नहीं खरीदते हैं। दोस्तों 10 प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मन शेफर्ड एंड 10 बेनिफिट्स ऑफ जर्मन शेफर्ड, इन दोनों ही टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर आप जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हो तो इन वीडियोस को भी एक बार देख लेना कि जर्मन शेफर्ड्स के क्या फ़ायदे हैं एंड अगर आप जर्मन शेफर्ड लेते हो तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। उन दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो एक बार वीडियो देख लेना जर्मन शेफर्ड लेने से पहले। दोस्तों अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हमारे 2000 लाइक्स का MB कंप्लीट कर देना एंड ये वीडियो आपके डॉग लवर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर से कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।